हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो आज होने वाला एक और बेहतरीन मैच। जी हां, एक तरफ है टाइटेनियम तो दूसरी तरफ है VD71। तो टाइटेनियम की तरफ से बात करें तो मिस्टर ओजेस्वी और साथ साथ स्लैपी, टाइटेनियम लियोन, टाइटेनियम पुनीत और इनके अगेंस्ट में फसीनो, मसूद, सफी और बादशाह। तो ये है BD71 की स्क्वाड। तो देखने वाली बात होगी कैसा गेम होने वाला है। बात करें इन दोनों के बीच में, ये होने वाला है एक सेमीफाइनल के मैच। जी हम TK स्पोर्ट्स की तरफ से एक टूर्नामेंट चल रहा है TKCS मेनिया, तो उसके अंदर ये दो टीमें आ चुकी हैं सेमीफाइनल के अंदर। एक है टाइटेनियम, एक है BD71, और इन दोनों में से जोन सी भी टीम जीतेगी वो जाएगी सीधा फाइनल के अंदर। और वहां पे बात करें तो फाइनल इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइनल में आपको टीम डी और असासिन्स का दूसरा सेमीफाइनल होना बाकी है। उनमें से जोन सी टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल में बैटल करने। इन दोनों में से जोन सी जीतेगी, तो देखने वाली बात होगी कौन सी एक हमें फाइनलिस्ट मिलने वाला आज इस मैच के अंदर। और बात करें, काफ़ी अच्छा गेम होने वाला है। BD की तरफ से बात करें तो काफ़ी जबरदस्त स्क्वाड मानी जाती है BD की, ये फसीनो। और यहाँ पर बात करें, बादशाह को नॉक ले लिया गया हील होते हुए धीरे धीरे। और टाइटेनियम की, यार जब भी मैं इनको स्पेक्टेट करता हूँ तो एक अंदर से हार्ड वाली मजबूत वाली फीलिंग आती है कि स्क्वाड के अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो स्ट्रेंथ है, कुछ तो मजबूताई है। जो बंदे इतना परफॉर्म करते हैं हर एक टूर्नामेंट में आपको एंड तक दिख जाते हैं, और बंदे खेलते भी अच्छा हैं, तो काफ़ी अच्छा गेम चलेगा टाइटेनियम की तरफ से। भाई बात करें तो BD की स्क्वाड भी कभी कम नहीं मानी जाती यार, इनकी भी हर एक ओए नजर लग गई। तो वही बात करें, BD की स्क्वाड भी कोई कम नहीं मानी जाती है, ये भी हर एक टूर्नामेंट में अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए दिखे मेरे को। और यहाँ पे बात करें, 2v2 सिचुएशन हो गई है, दोनों टीमों में लड़ाई हो रही है कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। और यहाँ पे देखते ही देखते दोनों तरफ दो दो बंदे हो चुके हैं, और ओजेस्वी को ले लिया गया नॉक। और यहाँ पे लियोन और पुनीत क्या करेंगे, दोनों की जोड़ी एक साथ खेल रही है, हेल्थ लो है पुनीत की और साथ के साथ लियोन की हेल्थ पूरी है। और यहाँ पे बात करें फसीनो, साथ के साथ सफी, तो सफी देखते हैं क्या करने वाले, M4A1 चलाना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे बात करें तो बंदे एक छोटे से जोन के अंदर आ चुके हैं। बात करें तो लियोन के पास डेजर्ट ईगल, जो कि वन टैप में एक गोली में बंदा नॉक कर देती है। और देखते ही देखते एक बंदे को ले लिया गया नॉक, और बंदे को दिया अच्छा खासा डैमेज। और ये डेजर्ट ईगल जो चला रहा है, ये गेम चेंज ना कर दे जनाब कहीं। और 13 की हेल्थ, और बंदे को जोन छुआ और खत्म, 1-0 से आगे। दूसरा मैच चल रहा है अच्छा खासा, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कैसा गेम होने वाला है। और सीधा रस स्लैपी के ऊपर, तो यहाँ पे बात करें काफी अच्छा गेम चल रहा है। BD की स्क्वाड एक साथ खेल रही है, एकजुट होकर, इनको पता है अब राउंड नहीं देने जनाब। 6 राउंड का एक मैच होने वाला है, तो राउंड इतनी आसानी से नहीं देंगे हम जनाब आपको। बात करें 4v4, पुनीत सर को फिर से नॉक ले गया देखते देखते। तो टाइटेनियम की स्क्वाड एक मजबूत स्क्वाड मानी जाती है जनाब। कुछ पास्ट टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ, ये लोंडे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर एक जगह छाप छोड़ना जानते हैं अपनी। और वही बात करें, BD की स्क्वाड भी बखूबी खेलती है, दोनों तरफ 4-4 बंदे हैं, कोई किसी पर रस नहीं दे रहा है। कैसा होगा इस गेम के अंदर, क्या निर्णय होने वाला है, कौन सी टीम फाइनल में जाने वाली है, कमेंट करके अभी से बताने लगो जनाब कि कौन सी जाने वाली है फाइनल के अंदर, BD या टाइटेनियम। इस वक्त जो बताएगा देखूंगा किसकी सही जाती है, क्योंकि बाद में मत बताना, बाद में वो चीटिंग हो जाएगी। देखते हैं आप चीटिंग करोगे तो भाई वो गलत बात हो जाएगी। अब देखते हैं आप बताते हो इसी वक्त कौन सी टीम फाइनल में जाने वाली है, तो बेटर होगा कमेंट करके, अदरवाइज बाद में बताओगे तो यार वो आपको भी पता है आपने चीटिंग करके बताया, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब बात करें, काफी अच्छा गेम चल रहा है दोनों तरफ, और 4v4 दोनों तरफ। BD71 सफी को ले गया नॉक। और बात करें टीम डी, आजकल आपको इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव दिख जाएगी। जी हाँ, टीम डी अब इंस्टाग्राम पे ओपन रहती है 24/7। जब भी कोई क्वेरी, मैसेज या कुछ भी हो, जाके मैसेज करो और रिप्लाई वगैरह सब कुछ मिलेगा आपके लिए, अवेलेबल है हर जगह हर टाइम पे। और बात करें 10K पे फॉलोअर्स होने पे 10 वीकली होने वाली है गिव अवे। जी हाँ, हम कभी गिव अवे वगैरह नहीं करते, स्टार्टिंग में करे थे उसके बाद नहीं करें भाई, जो करते हैं रियल करते हैं, बाकी फालतू जो होता है वो करते हैं हम, फेक वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो जनाब जिसको जिसको फॉलो करना है जल्दी जाके। और यहाँ पे बात करें तो 2-3 बंदे टपक गए हैं। और यहाँ पे बात करें, काफी गेम बलटता हुआ नजर आ रहा है, टाइटेनियम की स्क्वाड लीड कर रही है 2-0। थर्ड राउंड ऑब्जर्वेटिव का राउंड हो चुका है। हम बात कर रहे थे टीम डी ऑफिशियल की, तो टीम डी ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पर आपको गिव अवे चल रहे हैं 10 वीकली पासिस के। जी हाँ, जहाँ जाके फॉलो करिए, 10K फॉलोअर्स होने पे वहाँ पे 10K वीकली का गिव अवे होने वाला है जनाब। जिसको वीकली मिले मार के टैग मार देना कि जनाब हमको वीकली मिल गए, क्योंकि भाई हम फेक गिव अवे वगैरह नहीं करते, जो करेंगे कम करेंगे पर अच्छे से करेंगे। 4v4 दोनों तरफ बात करें तो BD की स्क्वाड और टाइटेनियम की स्क्वाड आमने सामने लड़ रही है, एक टूर्नामेंट चल रहा है सेमीफाइनल का मैच, तो दोनों तरफ टीमें काफ़ी अच्छे खेल रही हैं। और यहाँ पे कौन सी टीम आज फाइनल जाने वाली है, देखने वाली बात होगी, BD की स्क्वाड या टाइटेनियम की स्क्वाड। BD बना आप टाइटेनियम चल रहा है, इन दोनों के मैच जब भी होते हैं ना बड़े घमासान युद्ध छिड़ता है जनाब, मजा आ जाता है दोनों मैचों को देख के। तो देखते हैं कैसा गेम होने वाला है। और यहाँ पे एक बंदा नॉक हो गया है,
एक बंदा नॉक हो गया है, यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए क्योंकि टाइटेनियम की स्क्वाड चढ़ के खेल रही है पूरी की पूरी बीडी पे। बीडी की स्क्वाड को थोड़ा अपना डर निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर लेके खेल रही है बीडी की स्क्वाड। और यहाँ पे बात करें बंदे को डैमेज दिया अच्छा खासा, पीछा से डैमेज, राइट से डैमेज, 35 के हेल्थ, ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। बंदा आ गया है, दूसरे पे आ गया है और नॉक हो जाएंगे। 2-on-3 सिचुएशन, बीडी की स्क्वाड थोड़ी प्रेशर में खेल रही है। फसीनो और बादशाह, ओ बादशाह, और बादशाह किधर है, बादशाह पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं और खत्म हो जाएंगे यहाँ पे देखते देखते। और अकेले बच गए यहाँ पे फसीनो, फसीनो क्या फंसा फंसा के ले पाएंगे इन बंदों की या नहीं देखने वाली बात होगी, पर खुद फंस चुके अपनी ग्लोबॉल में और फंसा के फंसा लिया गया है इनको अपने जाल में। फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बात करें काफी अच्छा खासा हेडशॉट पड़ चुका है मसूद को, तो टाइटेनियम की स्क्वाड जी हाँ स्टार्टिंग से प्रेशर बनाई जा रही है। यहाँ पे बात करें तो बीडी की स्क्वाड क्या वापसी करेगी, बीडी ऐसा आसानी से हार नहीं मान सकता जनाब आप। ये सेमीफाइनल चल रहा है और सेमीफाइनल में और ये पार का मुकाबला है, आज करोगे तो मौका मिलेगा, नहीं करोगे तो कम मौका ये आएगा कि तुम दोबारा सेमीफाइनल में आओगे। जनाब जोश भरो अपने अंदर, जोश, मैच को हराओ इनको, टाइटेनियम को अगर हराना है तो कुछ करो, टक्कर दो टाइटेनियम को, क्योंकि टाइटेनियम की स्क्वाड वरना फाइनल की तरफ बहुत प्यार से चली जाएगी। क्योंकि बात करें ये मैच आर या पार का है, इसके बाद ये मौका कब आएगा कब नहीं आएगा, कब ऐसा टूर्नामेंट होगा सीएस का, कब सेमीफाइनल में तुम होगे भी या नहीं होगे, तो आर या पार आज लास्ट सोच का जनाब दिखा दो अपना गेम की आर, आज के बाद कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे बात करें बीडी की स्क्वाड, मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुनो, वापसी करनी पड़ेगी यहाँ पे टाइटेनियम की स्क्वाड को, जीतने नहीं देना है यहाँ पे बात करें तो। और टाइटेनियम क्या लगातार वापसी करती रहेगी और टाइटेनियम की स्क्वाड क्या खेल रही है पूरा प्रेशर बना के, तो लगता नहीं कि यहाँ पे बीडी की स्क्वाड प्रेशर झेल पाएगी। टाइटेनियम बोलते हैं इनको और यहाँ पे लियोन कंटिन्यू प्रेशर बना रहे हैं और बाहर से लाल कर दिया पूरा का पूरा। यहाँ पे 4v4 दोनों तरफ मैच चल रहा है, क्या बीडी की स्क्वाड वापसी करेगी यहाँ पे, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती बीडी 71। यहाँ पे बात करें हम किसी टीम की साइड नहीं लेंगे क्योंकि दोनों टीमें अपनी है, यहाँ पे किसी तरफ साइड नहीं ली जाएगी, हमें दोनों टीमें प्यारी हैं। और यहाँ पे बीडी की स्क्वाड बिखरती हुई नजर आ रही है, वापसी करनी पड़ेगी यहाँ पे, काफी कमजोर नजर आती हुई। सेमीफाइनल इसकी टीम है ये दोनों, पर बीडी आज लग नहीं रही कि ये सेमीफाइनल की तरह खेल रही है, काफी ज्यादा प्रेशर में खेलती हुई, 4 दिनों से आगे टाइटेनियम की स्क्वाड, क्या वापसी करेगी बीडी की स्क्वाड या नहीं। 8-0 से लीड कर रही है, यहाँ पे बात करें टाइटेनियम की स्क्वाड बखूबी खेल रही है, 5 किल लियोन की निकली है। और बीडी की तरफ से बात करें तो लड़को गेम जीतना है तो वापसी करनी पड़ेगी यार, सेमीफाइनल का मैच है, ऐसा कैसे हार मान सकते हो यार, कोई सवाल ही नहीं बनता भाई, उठो यार थोड़ी हिम्मत जगाओ, टाइटेनियम को हराना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस यूनिटी में खेलना स्टार्ट कर दो। और हमें बात करें टाइटेनियम पूरा चढ़ के खेल रही है बीडी की स्क्वाड के ऊपर, क्या बीडी की स्क्वाड वापसी करेगी या नहीं, होल्ड करके ना खेले जनाब, ये सेमीफाइनल का मंच है, इतना छोटा मंच नहीं है, आपने इतने राउंड क्लियर करे हैं बीडी, इतने राउंड क्लियर करे तो एक सेमीफाइनल का राउंड और सही क्या होगा, देखने वाली बात होगी। दोनों तरफ 4-4 बंदे टाइटेनियम की स्क्वाड रस मार रही है सीधा सीधा, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कौन सी टीम किस पर प्रेशर बनाने वाली है। टाइटेनियम की स्क्वाड बखूबी खेल रही है, बंदे काफी अच्छा खेलते हैं, काफी प्यार खेलते हैं। यहाँ पे बात करें तो टीम डी के, जी हाँ टीम डी का जो पहला टूर्नामेंट का सीजन था उसके अंदर विनर रही है टाइटेनियम की स्क्वाड सीएस के अंदर, तो यहाँ पे बात करें आज दोबारा से सेमीफाइनल का मंच, क्या रास्ता रुकेगा टाइटेनियम का दोबारा फाइनल में जाने से पहले, या फिर यहाँ पे बंद कर दी जाएगी पूरी की पूरी बीडी की स्क्वाड और टाइटेनियम जाएगी सीधा फाइनल में। दोनों तरफ 4-4 बंदे हैं, कोई किसी को नॉक नहीं ले पाया। और बात करें पुनीत को ले लिया गया, यहाँ पे थोड़ी उम्मीद की किरण जगाती हुई बीडी की स्क्वाड अपने अंदर धीरे धीरे, बादशाह सफी मसूद, तो यहाँ पे दोनों ही अपने आपस में बैटल करते हुए, और एक और बंदा नॉक तो बीडी का बादशाह को कंप्लीट कर दिया गया है। 3v3 सिचुएशन हो गई है, 3v4 हो गई है, तो यहाँ पे बात करें ये थोड़ी सी गलती कर रही है बीडी की स्क्वाड, अगर कोई एक बंदा नॉक हो रहा है टाइटेनियम का तो उस पर रस मारने की बजाय ये बंदों को हील करने दे रहे हैं, फिर बाद में रस मार रहे हैं आंख बंद करके, तो ये गलतियां करते हुए प्रेशर में खेल रही है बीडी की स्क्वाड और टाइटेनियम उतने ही मजे में खेल रही है जनाब। टाइटेनियम की स्क्वाड बखूबी खेल रही है, अकेला कौन बच गया, सफी नॉक पड़े, फसीनो बच गए, फसीनों के सामने 1-on-4 की सिचुएशन, काफी गंदा मैच चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक देना दिल खोल गया, क्योंकि इस वीडियो का लाइक 15,000 रहने वाला है, ट्रिपल किल लियोन की। 5 राउंड जीत गया टाइटेनियम, एक भारी भरकम मजबूत वापसी कर रही है पूरी की पूरी, कंटिन्यू डोमिनेट कर रही है, एक वापसी का मौका नहीं दिया बीडी के स्क्वाड को। बीडी के स्क्वाड मसूद नॉक हो गए हैं, जी हाँ मसूद नॉक हो गए, थोड़ा ढीले खेली बीडी के स्क्वाड इस मैच के अंदर, और एक और बंदे को नॉक ले लिया गया। पीछे से बात करें तो दो तरफ एक एक बंदा नॉक, तो 2v3 सिचुएशन, फसीनो और अरे भाई लाल मारा फसीनो ने, 3 किल करी फसीनो ने, काफी अच्छा 2v3 यहाँ पे, देखते फाइनल की तरफ। जी हाँ हमें पहला फाइनल मिल चुका है अपना, जो कि है जहां तक मेरे को लग रहा है टाइटेनियम, और जो कि बैटल करेगा किसी एक फाइनलिस्ट से, जो कि फाइनलिस्ट का सेमीफाइनल 2 होने वाला है।
टीम डी वर्सेस असासिन्स के बीच में। जी हाँ, उस वीडियो पे देखते हैं क्या होगा और कौन सी टीम जीतेगी। और बात करें इस मैच को, इजीली जीत जाएगी टाइटन की स्क्वाड। और यहाँ पे बात अकेले बच के वन ऑन फोर सिचुएशन में और रिमोट मार के मजे लेते हुए, क्योंकि इनको हार अपनी दिख गई है नजदीक। तो वन ऑन फोर क्या होगा, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे टॉप फोर प्लेस पर खत्म कर देगी BD71 की वन और कंप्लीट। जी हाँ, 6-0 से जीत गई टाइटेनियम की स्क्वाड। एक तरफा डोमिनेट रहा, 10 किल लिया उनकी रही और अगेंस्ट में फसीनो की 3 किल। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेमीफाइनल 2 में। टेक केयर देन, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।